विराट कोहली से जलते हैं गौतम गंभीर। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आईपीएल 2023 में हुई लड़ाई पर दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद ने आईपीएल 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए विवाद में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज पर निशाना साधा है। शहजाद ने कहा कि गंभीर ने कोहली से जलन की वजह से ऐसा किया। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए एक मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई कहासुनी एक बार फिर सुर्खियों में है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी नबीन उल हक से शुरू हुई कोहली की बहस में एलएजी के मेंटर गंभीर की एंट्री से विवाद और भी बढ़ गया था। वहीं अब पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए गौतम गंभीर को गलत ठहराया है। शहजाद का कहना है कि गंभीर ने कोहली से जलन की वजह से ऐसा किया, उन्हें कोहली की सफलता पच नहीं रही है। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के नादर अली के पॉडकास्ट पर कहा, यह देखकर लग रहा था कि जो विराट कोहली का अफगानिस्तान खिलाड़ी के साथ एपिसोड हुआ वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यह समझ नहीं आया कि गौतम गंभीर ने अपने ही मुल्क के प्लेयर कोहली के खिलाफ, जो कि आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिस तरह के जेस्चर शो किए वो सही नहीं था। एक दर्शक के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में इन्होंने फीलिंग्स को हर्ट किया है। ऐसा लगा था कि गंभीर जलन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह कोहली के खिलाफ कोई मौका ढूंढ रहे थे। शहजाद ने केवल गंभीर पर हमला नहीं बोला बल्कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कोहली का समर्थन भी किया। शहजाद ने दावा किया कि वह अफगानिस्तानी तेज गेंदबाज के साथ मौखिक विवाद के बाद कोहली को बोलने के लिए गंभीर से नाराज थे। शहजाद ने कहा, इस तरह का दृश्य वाकई दुखद था। मैं समझ सकता हूँ कि कोहली का अफगानिस्तान के खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसी चीज़ें जोश में हो जाती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्यों किया। अपने ही देश के सबसे बड़े खिलाड़ी कोहली के प्रति ऐसे इशारे दिखाए। आईपीएल में एलएसजी और आरसीबी मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर द्वारा हुई बहस में किस खिलाड़ी की गलती थी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।